किनारे बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव में ये दीपा जी का घर है। डांस सिखाती हैं, बहुत इज्जत है उनकी गांव में। उनके घर के बिल्कुल ही सामने है पिंटो परिवार का मकान, जिसे लोग पिंटो हाउस के नाम से जानते हैं। नहीं, ये नहीं, एक्सक्यूज मी, बस कैमरा, हाँ ये पिंटो हाउस। वैसे इसे भी मान ले तो क्या फर्क पड़ता है, वहां का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये है जॉन पिंटो। 1954 में इन्होंने जेनी के साथ घर बसाया और बस इस देश की परंपरा निभाते हुए फौरन ही घर में पहला अंडा आया, अंडा नंबर वन, अरुण पिंटो। भैया ये तो पैदा होने से पहले ही मैकेनिक बन गए। कुछ साल बाद ऊपर वाले ने जेनी पिंटो की डोर खींच ली, बट एक दूसरा डोर खोल दिया जिसमें से रूबी ने एंट्री ली जॉन पिंटो की लाइफ में, और फिर शुरू हुई अंडों की बरसात। ये थी रूबी की खूबी। अंडा नंबर टू, जैक पिंटो, बस्ती का पंच परमेश्वर, यानी जिसको एक पंच मारा वो तो बेचारा परमेश्वर को प्यारा। हैरी पिंटो, अफसोस गलत जवाब, बनना चाहता है करोड़पति मगर किस्मत ने बना रखा है रोडपति। आजकल LIC एजेंट बनने के चक्कर में है, बस जरूरत है तो एक क्लाइंट की। बंटी, इसे कहते हैं पैदाइशी जॉकी, भैया इसके तो सपने भी घोड़े पे सवार रहते हैं, कब जीतेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग सनी पिंटो। जी हाँ, बनना चाहता है दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, मगर एक काम करते हैं आगे बढ़ते। और ये रहा पिंटो फैमिली का आखिरी अंडा, क्योंकि इसके बाद ही जॉन और रूबी पिंटो ने दुनिया को गुड बाय कर दिया। और ये चार भाई और छोटी मुन्नी अरुण भैया की उंगली थामे चल पड़े दुनिया को जीतने। Mm-hmm.
बड़ी मुत्तो स्वामी साई। बोलिए मालपानी साहब, बोलिए। हमारी लड़की के वास्ते एक अच्छा लड़का दिखाओ नी। मालपानी साहब, मैं आपका चौकरी के लिए एक अच्छा ब्यूटीफुल यंग चौकरा दिखाता हूँ। बड़ी झूले लाल, कैसा लगा अरुण पिंटो? ब्रदर नंबर वन है, घरे चलाता है, घर चलाता है, चार ब्रदर एक सिस्टर को संभालता है। एक इम्पोर्टेंट बात है, वो चार ब्रदर एक सिस्टर हाँ बोलेगा तो ही ये शादी होगा। अच्छा, तो नहीं होगा। और भी एक इम्पोर्टेंट बात है, आज तक वो लोग किसी भी लड़की को हाँ बोला ही नहीं है। बड़ी झूले लाल, तो अपने को कैसे हाँ बोलेगा? हाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा। बताओ बताओ। अभी मैं बोलता हूँ, इधर आइए। हाय रोमा, सारी बस्ती के लोग कहते हैं कि मेरे भाई मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, मगर उन बेचारों को सच्चाई क्या पता कि लोग मुझे कितना परेशान करते हैं। हर वक्त रोमा चाय, रोमा कॉफी, रोमा ये, रोमा वो। उफ़ो, देखा, अगर मैं या ना होती ना तो ये आलसी और निकम्मे बिना चाय के बिस्तर में दम तोड़ देते। इन्हीं के चक्कर में अभी तक अरुण भैया की शादी नहीं हुई। मुत्तू आज लड़की वालों को लेकर आता ही होगा। वाह 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 वाह, नाश्ता तो बड़ा बड़ा मजेदार है, अरुण भैया ने बनाया है। नहीं 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 नहीं, ये अरुण भैया से बहुत प्यार करती है ना, इसे पूछे ये हवा किसने बनाई, ये दुनिया किसने बनाई, ये बोले ये अरुण भैया ने बनाया। ऐसा और लो ना। नहीं है, आयो, ये डाकू नहीं, ये बंटी है, तीसरा भैया। ये हमारी बेटी को किडनैप तो नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा, डेंजर फैमिली नहीं है, नहीं करेगा। तो बताइए कौन ज्यादा समझदार, घोड़ा या आदमी? बोलो ना बेटी। आदमी घोड़े से कम समझदार है। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे, जब रेस कोर्स में 10 घोड़ा दौड़ेगा तो 50,000 आदमी बैठ के देखता है ना, लेकिन 50,000 आदमी दौड़ेगा तो एक भी घोड़ा नहीं देखता है, इसलिए। पॉइंट मेरी तरफ से। पास। सॉरी भैया, फर्स्ट नॉट क्लियर। घोड़े ने भी पास कर दिया। नहीं पर ये कौन है? सनी, चौथा भाई। बहुत बड़ा जादूगर है। अभी मेरे हाथ में क्या है? भेजा। जादूगर के हाथ में कभी भेजा नहीं होता है। सनी, ये ना पा, अगर चौकरी गलती से कबूतर बोलता तो इतना बड़ा जादूगर का इज्जत क्या रहता था? हाँ, हमारे घर का चौकरी घर का आदमी का बोल नहीं खोलेगा। भाभी विद ब्रेन। अब आपके मैं दो टुकड़े कर दूँ तो आपको इतराज तो नहीं होगा ना? आप डरोगी तो नहीं ना? बड़े प्यार से काट दूंगा मैं। कटो कटो। बेबी बेबी बेबी, घबरा मत बेबी, ये जादूगर है नी तो पहले काटेगा फिर जोड़ भी देगा। नहीं, इसे जोड़ना नहीं आता। मैं ना बोलूं। चुप चुप नहीं चुप। सनी, काटने को इतना जल्दी काहे को? पहला जोड़ ना सीखो फिर काटो, ये लड़की किधर नहीं जाएगी, तुम्हारा भाभी बनकर इधर ही रहेगी, इसलिए पहला जोड़ ना सीखो फिर काटो। जोड़ो काटो, जोड़ो काटो, जोड़ो काटो, जोड़ो काटो। समझ गया मतलब? रोमा मेरी तरफ से पास। तो बाद में आना प्रैक्टिस करने का तेरे पे। हैरी भैया। हैरी भैया, फ्यूचर का करोड़पति, अभी का ये लेती है जन। अच्छा, लेकिन वो धरती फाड़ के तो नहीं आएगा? नहीं, बड़ी टेंशन है। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। करोड़पति बनने का फॉर्मूला क्या है? LIC एजेंट। ओह रमा, यू यस। कैसे?
क्लाइंट को फंसाना? कैसे? जैसे मुत्तु को फंसाया? मुत्तु को? कैसे? 10 लाख का पॉलिसी लेके 50 माने से गिरेगा तो 15 माना आते आते इंश्योरेंस का पूरा पैसा हाथ में मिलेगा, मैं पूरा काउन करके मरेगा। आई एम फुल्ली कन्विंस्ड। मिल गया, वो मिला, मिल गया। मुत्तु हाथ मिलाओ, अभी आप जल्दी से आ जाओ, दोनों करोड़पति बन जाएंगे। मेरी तरफ से पास। रुमा, रुमा। हेलो। अरे रुमा टेम्पल लेके आ गया फिर से। बस्ती का लॉ एंड ऑर्डर। जैक भैया, इन तीनों ने भाभी को पास कर दिया। लेकिन मैं रिजेक्ट करता हूँ। मर गया भैया। शादी के बाद इन दोनों को भी इसी घर में रहना होगा। ऐसे क्यों बोलते जी? अरे इनकी तरफ से उन तीनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई चाहिए कि नहीं? हाँ जैक भैया। पास। भैया भाभी फाइनल, आप पति बनोगे, मैं करोड़पति। मत तो स्वामी, इसके बाल कहाँ है? आइयो रामा, बाल बचा सब शादी के बाद लिए। क्या हुआ भगवंती? भगवंती साईं, ये आदमी 22 साल पहले मुझे देखने आया था। ये ले तेरा कुंडल। अभी ये कार्बोरेटर साफ करने का भी लायक नहीं है। हाँ गर्म गर्म रामा चिको, और काफी देर वाला क्या ये काफी ले गया, गर्मा गर्म जल्दी लाता है ना। क्या हुआ रे? होने का क्या, 25 साल से तेरे को लड़की ढूंढ के मैं थक गया हूँ यार। अभी है ना तेरे को देखे बुढ़ी लोग को भी चक्कर आने लगा। एक बात बोलूं, तुम्हारे जो 4 चौथेला भाई है ना, तुम्हारी कुंडली में पाप के ग्रह जैसा बैठ गया। उन लोगों को जरा हटाओ तो तुम्हारा काम बन सकता है। मेरे को शादी नहीं करने का है। नहीं अरुण भाई, मैं जो बोलता हूँ। बस मुत्तू, मेरे को शादी नहीं करने का है। ये मेरे 4 भाई और मेरी बहन मुझे बहुत अजीज हैं। मेरे को उनके खिलाफ अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बस मेरे को शादी नहीं करने का। ये चिको काफी हो रहा है। लाता है ना, बात नहीं बनी तो मेरे पे चिल्लाता है। आराम से चलो अंदर। आराम सा। अबे तेरे से मोटे पैसे तेरे नहीं कुछ होता। आवाज मत कर, चाकू लेकर निकाल दे। पोर्टफोलियो बनाया क्या इन लोगों ने? एंटीक हुआ, एंटीक ले चलते हैं क्या? 80 साल बाद बड़े पैसे मिलेंगे इसके। ये देखते हैं, तू पीछे से जा, मैं भी वहाँ आगे से अभी चल जा रहा हूँ। ये देख, और उल्टी उल्टी आराम से देखना नीचे उसको। मार, अबे मोटे भूत क्या दिखा रहे हैं, मार उसके पीछे चल। चल 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 चल। Happy birthday to you, happy birthday.
सॉरी रोमा। रोमा, हम सब भाई तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमें बताना ही नहीं आता। कम ऑन जैक, कम। डिंग डंग दो, तुम्हें हम चाहे, जो तुम कह दो हंस के मर जाए। हमारी जान है प्यारी बहना, बिना तेरे कहीं कभी हमको न रहना। खुशी और गम हमें यहाँ मिलके है सहना।
आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती कितनी खुश होती। यू आर रियली क्रेजी डैड, सिर्फ एक घंटे का तो सफर था, आपको आने की क्या जरूरत थी? सभी तू एक घंटे की बात कर रहा है, यहाँ तो एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। ओ डैड, एंड आई मिस यू बेटा, बहुत मिस किया तुम्हें। आई मिस यू टू डैड। I love you, Dad. अच्छा, and what about me? I love you too, दीदी. अच्छा, वो तुम वापस आ गए। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। सबसे अमीर आदमी हूँ मैं दुनिया का। I am the richest man in this world. And I am the luckiest man in the world. Hey, Dad, that's enough. और कितनी बार करना है? बहुत हो गया, 240। डैड स्टॉप इट, डैड दैट्स एनफ डैड। आई डोंट ड्रिंक डैड। अरे चलो यार, कम ऑन। अरे मैं आई डोंट ड्रिंक। अरे हद हो गई यार, इतना बड़ा लड़का हो गया, लंदन में रहता दारू नहीं पीता। सीरियसली मैं नहीं पीता हूँ। जब नहीं पीता तो नहीं पीता, आप इनको जबरदस्ती काहे कर रहे हो? राइट रामू काका। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़का लंदन में पढ़ता हो और वहां उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। प्लीज बिलीव मी डैड, आई डोंट बिलीव। डैड आई मिस मॉम। घर चलते हैं डैड। क्यों? सुबह से हम यहां बैठे हैं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। देखो कितनी मछलियां पकड़ी हैं हमने। हाँ। मैं तुम्हें यहां मछली पकड़ने नहीं, तो पेशेंस सिखाने आया हूं, सब समझे? What? मैं तो बेटे समीर ये सीढ़ियां चढ़कर यहां तक आ गया हूं, बाकी की सारी सीढ़ियां तुम्हें चढ़नी है। कैसा लगा ये ऑफिस? वंडरफुल। तुम्हारा है? मेरा? यस, तुम्हारा। नया ऑफिस मुबारक हो डैड। वो शिप ने आपको परेशान कर रखा है। दरअसल उस शिप का इंश्योरेंस, नहीं तुम नहीं समझोगे सर, शिप का ये हिस्सा और ये हिस्सा तो इससे भी ज्यादा कमजोर और नाजुक हो चुके हैं। हम एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि बाद में छानबीन करने वालों को लगेगा कि इस हिस्से में या तो यह हादसा किसी इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से हुआ है या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से। शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी सर। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब हम अगर प्लान के हिसाब से चलते हैं तो कुल 40 करोड़ का फायदा होता है, नहीं तो 50 लाख का नुकसान होगा सर। और फिर अपने इंश्योरेंस के वकील भी हैं, वो मैं संभाल लूंगा सर। नहीं सर, मैं इन लोगों के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। बैठिए मिस्टर देशपांडे। नहीं, नतीजा ठीक नहीं होगा। आई डोंट अग्री विद शर्मा जी। मिस्टर देशपांडे, हर चीज का ख्याल रखा गया है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप कोई और रास्ता भी तो होगा शर्मा जी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जहाज पे क्रैक्स नजर आने लगे हैं। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो मल्होत्रा कंपनी के नाम पर धब्बा है। ठीक है शर्मा जी, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे हमारा नाम खराब हो। यस सर, मैं कल ही सारे पेपर्स जमा कर दूंगा। एंड कैप्टन, No casualties, okay? वो तो अच्छा हुआ हम लोग शॉर्टकट से आए हैं। क्यों? अगर रोड से आए होते तो 2 घंटे और लग जाते। Very interesting shortcut. I really admire you, दीदी। कहाँ अंकल आंटी मॉरिशस में रहते हैं और कहाँ आप ये छोटी सी घटिया सी बस्ती में रहते हैं? ये छोटी सी घटिया सी बस्ती नहीं है, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे लोग रहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और मेरी डांस क्लासेस है ना, वो तो बहुत अच्छी। भाई आपकी डांस क्लासेस? अच्छा बाबा, वो देख, वो रही हमारी बस्ती। कहाँ? किधर? थैंक यू। आई एम सो हैप्पी कि तुम कुछ दिन मेरे साथ रहोगे। मुझसे अभी है अनजानी, कहीं ना कहीं है वो दीवानी,
मुझसे अभी है अनजाने। गोला खाएगा बच्चू, आ जाते को गोला खिलाता हूँ, चल। लाइन मारता है? हाँ। अरे वो खा रही थी तो पूछ रहा था, बस और क्या। ओ, तो तुझे गोला खाने का बहुत शौक है हाँ? बहुत फैंटास्टिक गोला मिलता है, चल खाते हैं। चलो। मार गोला। मेरी बैंड को कटना है। अरे ये मुन्नी के साथ छेड़खानी कर रहा था मैं, नहीं मैंने गोले की दुकान पे भैया, तुम आ भैया, कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कह रही कि कुछ नहीं हुआ है? अरे झूठ बोल रही है, तेरी ये पागल हो गई है, ये झूठ बोल रही है भैया। मैं बोल रहा हूँ वो गोले की दुकान पे खा रहा था और छेड़ रहा था उसको। शायद मैं रोमा झूठ बोलेगी क्या? लेकिन भैया सुनिए तो, आप मेरी बात सुनिए, रोमा को छेड़ रहा था, ये मेरा भाई है। तुम लोगों ने सुन लिया ना, ये दीपा का भाई है और तुम लोगों ने इसे पीट दिया। नहीं भैया, आप हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा करते रहते हो तुम। चुप जैक। नहीं नहीं, नहीं आप... मुझे लगता है इन लोगों की बहादुरी गैरेज में काम आएगी, इनको गैरेज में लगाना चाहिए। चलो चलो चलो, तुम्हारे पास बहुत ताकत पड़ गई है, अभी गैरेज में चलकर तुम लोगों के दिमाग का जूस निकालता हूँ। कैसी बस्ती में रहती हो दीदी? आंख मारे के मकड़ी, आंख मारे आंख थू। ओहो भैया ये देखो, मुंह में जाले जा रहे, काम बंद करना पड़ेगा। काम नहीं, मुंह बंद कर अपना और काम कर ठीक से। और आओ देख वो ऊपर जाले लगे, वो निकालो सब साफ कर। गैरेज का काम, करोड़पति बन जाऊंगा ना, गैरेज खरीद के बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा, कुछ काम है ये। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की, कोई जरूरत नहीं, नए कपड़े पहन के तुझे भारत में नहीं जाना है, चलो काम करो अपना, चलो। भैया ये गलत है, मैं अपना यूनियन बनाऊंगा। हाँ बना लेना, पंटी सनी के साथ हड़ताल करूंगा, हड़ताल। ये क्या दो चाय, तू नहीं पी रहा क्या? मैं पी रहा हूँ। अच्छा तो तू नहीं पी रहा? नहीं यार मैं भी पी रहा हूँ। ये क्या, अरे हमारी चाय कहाँ है? हाँ आज तुम तीनों को चाय नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारी कल की हरकतों की वजह से। रोमा चाय लेकर आ, हम तीनों के लिए। हाँ जब तक चाय नहीं मिलेगी हम काम नहीं करेंगे। जैक अबे यू टर्न मारा रे सनी, जब तक चाय नहीं मिलेगी हम काम करेंगे। तुम तीनों के लिए एक लास्ट वार्निंग है, 30 दिनों की मोहलत देता हूँ मैं तुम तीनों को, इन 30 दिनों में जो कुछ भी बनाना है बना लो, वरना मैं तुम तीनों को गैराज में काम पे लगा दूंगा जिंदगी भर के लिए। और हाँ इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 30 दिन? 30 दिन। 30 दिन में क्या होता है? 30 दिन में क्या नहीं होता है? रोमा इस चोट के बारे में अंकल को क्या बताया? इसके बारे में ये बताया? तुम बहुत शरारती हो समीर। Yeah, that's me. हाय रोमा। हाय दीपा जी। तुम दोनों बैठो, मैं अभी आई। ओके हाय। कल मेरे भाइयों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really very sorry। वैसे मेरे भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, पर क्या है ना,
वो मुझे इतना चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने वाले के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। उसके हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। पर अगेन, उसकी जान भी ले सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। रोमा जी, अगर चाहता तो मैं भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हारे भाइयों को तमीज नहीं सिखाई, फिर भी तुम्हारे भाई दिल के बहुत ही अच्छे हैं। बढ़िया है दिल के अच्छे लोग। क्या हुआ? कुछ नहीं, माफी मांगने आई थी अपने भाइयों की तरफ से। और तुमने उसको डांट दिया? अरे इसमें उस बिचारी का क्या कसूर है? समीर, गलती की जो उसे माफी मांगने गई, उसे तो दो गालियां और देकर आनी चाहिए थी। क्या खुशबू आ रही है रोमा, जल्दी करो। अरे आराम से लग जाएगी। रोमा मैं कुछ मदद करूं? नहीं भैया। अरे क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? चलो चुप बैठो। जीत गया। ध्यान से हैं, दो पैक लगा के आए। हमारे साथ संसार के सभी लोगों को ऐसा ही अच्छा खाना नसीब हो। आमीन। लो। क्या हुआ हरी भैया? लवली। सनी भैया कैसा है? कैसा है बताओ ना। और कुछ चाहिए तो हमको बुला लीजिए। जी काका, खा लियो। हाँ दीदी। रोमा कैसी है? अच्छा रोमा कैसी है? देख समीर, उसके पांच पागल भाई हैं। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि रोमा कैसी है दीदी। समीर, she is very interesting। अंकल आ गए। अरे दीपा, तुम कब आई? कम डैड। बस अंकल अभी आई। हाँ, मिस्टर भंडारी ने तुम्हारे लिए कुछ पेपर भिजवाए थे बेटा। हाँ। रिपोर्ट कब तक तैयार होगी? बस कल तक होगी। गुड। अरे राम सिंह, कुछ हमें भी खिलाओ भाई। या डैड। आप तो बहुत ही ग्रेट मैकेनिक। मस्का मत लगा, मस्का मत लगा। अभी का 1400 और पुराना मिलाकर 7200 होता है। चल पैसे निकाल जल्दी से। अभी देते हैं पैसा। ये लो पूरे 200 रुपए। क्या 200 रुपए? और बाकी? अब 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 बाकी तो तुम्हें पता है। ओहो, 6 महीने हो गए भी मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बोल देना सेठ को। अरे हम तो 1 साल से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहा हूँ। इतनी बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक है तुम्हारा सेठ। भैया इन बड़े लोगों का क्या पता, ऊपर से ढोल अंदर से पोल। खैर तुम फिक्र मत करो, हम जरूर कोई चक्कर चलाता हूँ, समझे? अरे डोंट भरी। लगता है अरुण भैया बहुत गुस्से में है। बहुत बकबक करता है। आज इसको और इसके सेठ को दोनों को देख लूंगा। इतना बड़ा ऑफिस बना के रखा है, करता क्या है ये? गुड मॉर्निंग, मैं तो शिपिंग कॉर्पोरेशन, मे आई हेल्प यू? ये बिल्स देखिए, ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, ये बिल्स है मेरे, देखिए आप। अरे ये आपके सिग्नेचर हैं? ये आपके सिग्नेचर हैं? मैं नहीं। ये आपके सिग्नेचर नहीं है क्या? ये भी आपके सिग्नेचर नहीं है? देखिए मैं, हम सारी पेमेंट आपको दे चुके हैं। अरे भी मैं लाइए, मुझे दीजिए मुझे फाइल। अरे इसमें मेरी झूठे साइन लेकर आप मेरी पेमेंट खा गए हैं। पिछले 7 महीने से आप कोई ना कोई बहाना बना रहे। अरे कब तक चलेगा ऐसे? ये मेरे मेहनत का पैसा है, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं इसे। आप मुझे अपने बॉस के केबिन में ले चलिए। हटिए आप। बॉस के केबिन किधर है आप बताइए मुझे। अरे आप नहीं जा सकते। अरे आप क्या रोकेंगे मुझे? आपने तो नकली सिग्नेचर करके मेरे पैसे उठा लिए। और आप बात करते हैं मिस्टर मल्होत्रा? आप अंदर नहीं जा सकते मिस्टर मल्होत्रा। एक्सक्यूज मी, देखिए आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। देखिए मुझे अभी और इसी वक्त मिस्टर मल्होत्रा से मिलना है। हटिए आप। मल्होत्रा बहुत बिजी है, मीटिंग चल रही है। व्हाई डोंट यू स्टॉप हिम मिस्टर मल्होत्रा? डोंट गो इनसाइड मिस्टर मल्होत्रा। मैं बोल रहा हूं, ये सुन नहीं रहे? व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? मैं यहाँ अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। आप? पूरे 7000 रुपए हैं। आज तक जब जब भी मैंने पैसे मांगे, मुझसे कोई ना कोई बहाना बना दिया गया। इनकी पेमेंट दीजिए। आप चुप रहिए। और आज जब मैं इस ऑफिस में पैसे लेने आया तो मुझे पता चला कि मेरी पेमेंट हो चुकी है।
ओके आप आइए। आपने अरुण पिंटू को देखा है? कौन अरुण पिंटू? अरे वो सड़े से कपड़ों में कराज भी काम करता है, तेल में लगा हुआ टकला गंजा साला। ऊपर साहब के कमरे में। एनीवे आप कुछ लेंगे? वुड लाइक टू हैव समथिंग, चाय बिस्किट कॉफी? नहीं कुछ तो लीजिए। हाँ ठीक है, एक कटिंग बोल दीजिएगा। कटिंग? I'm really sorry for whatever happened. मैंने शायद आपको कहीं देखा है। लंदन में देखा होगा आपने मुझे। नहीं नहीं, शायद मैंने आपको बस ये रहा आपका चेक। लेकिन हम ये आपको अभी नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके घर पे आके आपको ये चेक दें और आपसे माफी भी मांगे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं बस। आपने भी तो तकलीफ की। जैसे आपकी मर्जी, शायद ये चेक नहीं देगा। मालिक मालिक हमको माफ कर दीजिए मालिक, हम बहुत गरीब आदमी मालिक। ये क्या कर रहे हैं आप? माफ कर दीजिए मालिक, मेरा बच्चा भूखे मर जाएगा मालिक, हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक, बहुत गरीब आदमी हम। हाँ मालिक। मिस्टर भंडारी। यस सर। मालिक आज दिन की तनख्वाह। मालिक आज भज्जा कर लेगा मालिक। डबल कर दी जाए। मालिक मालिक। अरे रिलैक्स योरसेल्फ मैन। गाड़ी हो गई पूरी? हुआ। इसकी बैटरी चेक किया आपने? किया। वापस चेक कर लेना बैटरी। ठीक है चीकू, छोड़ इसे, दवाएं ले ली क्या तूने? हाँ। क्या है अब? पता नहीं क्या बहाने बनाता है अब। ये रही आपकी मेहनत। I'm sorry आपको काफी परेशानी हुई। ओह थैंक यू वेरी मच। और ये रहा आपका गिफ्ट। मेरे लिए? क्या है ये? देखिए ये मेरे लिए। ओह होप यू लाइक इट। इंपोर्टेड टूल किट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा तो मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं, चाय पीकर जा। रोमा चाय लाना। रोमा चाय लाना। अच्छा समीर, मुझे वो गुलाटी साहब का गाड़ी छोड़ने जाना है, बस मैं यूं गया और यूं आया। रोमा मैं आया। अच्छा तुम बैठो। अरे और पांच और पांच। कम ऑन। क्रोच कहीं का मरी का, मैं तुझे मार डालूंगा। मर गया। उस दिन तो कैसे मेरे भाइयों को गाली दे रहा था, और आज आज कैसा मीठा मीठा बनकर बोल रहा है। बदमाश कहीं का। सनी तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास इस समय वक्त नहीं है। कहाँ गया? गॉड ये दूध भी नहीं मिल रहा है। हाय रोमा। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण भैया वो तो गाड़ी के ट्रायल के लिए गए हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोमा मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अच्छा ठीक है मैं वहाँ। माफी मत फट। उस दिन जाने में तुम्हें गुस्से में क्या कुछ कह गया। तुम जाओ यहाँ से। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम जाओ। सनी अरे प्लीज तुम जाओ। अरे तुम जाओ, बस जाओ तुम। आशीष मिलेगा ये। अरे अरे मुन्नी कहाँ है? मुन्नी हाँ भैया। मुन्नी सिफी है। रोमा रोमा देख, हाँ मैंने गधे के गाल से और कुत्ते के खाल से एक ऐसा सूरमा बनाया है जिसके लगाते ही भूत नजर आते। लगा। मुझे नहीं देखना भूत। मनी खड़ी रहे। ले। अब देख ले। आएंगे। कुछ दिख रहा है? नहीं तो। हाँ नहीं नजर आ रहा, कुछ तो भी हो रहा है। रोमा मुझे फीलिंग्स आ रही है अंदर से। आएंगे आएंगे। मैं तो भूत बन गया था। क्यों मुझे बुलाया सुरमा लगा के?
तुम जाओ यहाँ से, बस तुम जाओ, आज तुम ऐसा पिटोगे कि गॉड, तुम जाओ यहाँ से, सुना नहीं तुमने? तुमने मुझे माफ किया? गॉड, नहीं, नहीं, हाँ बाबा जाओ। कल सुबह 6 बजे दीपा की बैकयार्ड में। ओके 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 तुम जाओ। अरे ये इसे क्या हो गया? इसे सुरमा लगाने के बाद इसे भूत नजर आया और ये बेहोश हो गया। इसका जादू टोना एक दिन इसे पागलखाने पहुंचा देगा, है ना? रोमा, वहाँ कुछ है रोमा? कोई नहीं, भूत। ओ रोमा, तुम भी। देखा सनी, तू इस घर के हर एक आदमी को पागल बना के छोड़ेगा। कम ऑन, गेट अप, गेट अप, कम ऑन। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे सनी तू ठीक है ना? कौन था? थानी थे। हाँ बोल भैया, रोमा क्या हुआ? बड़े बड़े भूत, लंबे लंबे भूत, काले काले भूत, बड़े बड़ा डर लग रहा भैया। सुसु आ रही है जोर जोर से। अबे मेरे हाथ मत कर देना सुसु पागल। हाय समीर, कहाँ है दीपा जी? हाँ हाँ वो वहाँ है। ओके बॉयज कम ऑन। मुझे मालूम था तुम आओगी। क्या खाओगी? ऑमलेट, भुर्जी, हाफ फ्राई, जूस? जूस ले लो। एक्सक्यूज मी, नाइस। एक्सक्यूज मी, स्टॉप इट। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नाश्ता करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें समझू, तुम मुझे समझो, और दोस्ती करने में क्या प्रॉब्लम है? देखो मिस्टर, बहुत आए हमसे दोस्ती करने, सब हॉस्पिटल में पड़े। अरे अरे लेकिन मैं तो जस्ट लिसन टू मी, कल मैंने तुम्हें बचा लिया, आइंदा ऐसी हरकतें मत करना, समझे? दोस्ती तो मैं करके रहूंगा। नसीब अच्छा है, दोबारा पिटने से बच गए। आइए आइए, आज भी आपके साथ ही ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। ये लो हमें से चीटिंग करते हैं भैया। ये मेरा हैंड। ये अरुण भैया, चलो चलो। अरे भाई तुम लोगों में से कोई भी ड्रिंक बना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जा यार, तू जा। अरे भैया फर्क आपको नहीं पड़ता, फर्क इन लोगों को पड़ता है। क्यों आप बढ़ते हैं? मैं ज्यादा चाहता हूँ भैया, मैं बना रहा हूँ आपके लिए भैया, मैं आपके लिए बना रहा हूँ ब्रेड, और मेरे लिए बना रहा हूँ ऑरेंज, आपके लिए ब्रेड, और ये रॉकी के लिए। बात भी भूत आ गया का म्यूजिक खेलता हूँ, नहीं तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मेरा तो जीना आराम हो गया। तो तुम यहाँ हो, शर्म नहीं आती तुम्हें यहाँ बार बार आने में? वो पकौड़े कहाँ गए? भैया खत्म हो गए, मैं और लाती हूँ। बहुत खाना बना लिया तुमने, अब चलो बाहर बैठो। भैया मैं अभी आती हूँ। बाहर बैठो चलो। ओके भैया 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आना, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ये सब लेकर आना। हमेशा ही ऐसा ही करता है यार। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। I'm sorry रोमा, I'm sorry।
आज से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं। I love you. I love you, Roma. I really love you. Sameer, कल तुम कहाँ मिलोगे? ये रुको। मेरा दिल
ये पैसा ये क्या हो रहा है? उत्तेरी तू वही है ना बीच में ढूंढा था जिसको रोमा का बुद्धू बनाता है। अरे ये तो हमारे हैरी भैया है, ढूंढ रहा था, बदला लेना था। आ जा। अरे भैया पानी बहुत गहरा है और आपको तैरना भी नहीं आता। मिस्टेक हो जाता। ए तू इधर आ। पॉलिसी निकलने वाली थी ना। पॉलिसी? हाँ पॉलिसी। भैया आ जा। हाँ। लास्ट डे। लास्ट डे? भैया पॉलिसी करा लो वरना कल से गैरेज जाना। हाँ। पड़ेगा। अरे मरा भूल गया था, आज तो लास्ट डे है। वो पॉलिसी पता है 5 लाख रुपए की है। हाँ? फिर से बोलना। नहीं 10 लाख। हाँ 10 लाख। 10 लाख? अच्छा 25 ले लो 25 लाख की। रोमा मेरे कपड़े कहाँ हैं? लाई भैया। मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी ला। रोमा ये क्या मजाक है, मेरे पास टाइम नहीं है, हटा हटा इसको। भैया आप? रोमा कहाँ है? आज लास्ट डे है और तुम्हें आज तक कोई क्लाइंट नहीं मिला है, ये ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी हुई है। ये तो आज गया। पर मैं इस ड्रेस के लिए नहीं बना। लो हैरी इसे पहन लो। नहीं। लो पहन लो। नहीं। तुम इसे पहन लो हैरी। नहीं नहीं पहनोगे। नहीं 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 नहीं। चेक। चेक नहीं भैया। चेक? हाँ इसलिए पता करा रहा है। चेक। ओह। अरे किस लाइन में मर गया ये? चलिए चेक। मैं LIC में जमा कराऊंगा। चेक। जैक, please don't disturb me. I have to go. चेक ही होगा। अरे जैक, चेक। सनी, भाग। सनी, भाग अपनी तरफ आ रहे। आऊँ? भाग, भाग सनी, भाग, भाग। ड्रेस, तुम्हारे, बंद के बाद ये। सनी भैया फिकर मत करो, अंजलि है ना उसकी नानी के फूफे का ताया के चाचे का बेटा है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगा। आप फिकर मत करो, अंजलि कभी झूठ थोड़ा ना बोलेगी। घबराओ मत सनी भैया। नहीं मुन्नी, मैं जाऊंगा गैरेज में ही जाऊंगा मैं 7 दिन के बाद। ना मेरा अंडा सिद्ध होगा ना मैं अल हबीबी से मिल पाऊंगा। सनी। नहीं मुन्नी, मैं जानता हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन सकता हूँ, लेकिन अल्लाह भी थोड़ी ना मिलने आएगा मुझे गैरेज में। भैया वो आ रहा है। वो आ रहा है। नहीं आपने मुझे कहीं नहीं देखा। आप रोमा है ना? राइट। रोमा मैं आपकी फ्रेंड सहेली अंजलि की मासी की नानी की दादी की चाची की व्हाटएवर। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। मैं मिस्टर अल हबीबी को जानता हूँ। यस ही इज माय फ्रेंड। और वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है तो आप प्लीज मुझे जल्दी बताइएगा, मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। यहाँ पे हम अल हबीबी की बातें कर रहे हैं,
आलू मोसम्बी के नहीं। तो मैं अभी कौन से आलू प्याज की बात कर रहा हूँ मिस्टर अल हबीबी द ग्रेट मैजिशियन? मुन्नी ये बोल रहा है कि अल हबीबी को जानता है। हाँ सनी, अंजलि झूठ नहीं बोल सकती। अंजलि को इनके मौसी के चाची की नानी की बेटी। ठीक, तू अल हबीबी को जानता है? Yes, of course. ग्रेट जादूगर को जानता है? Yeah, I swear. सही में जानता है? Yeah, I really swear. मुन्नी नाम क्या बताया इसका? समीर। बहुत अच्छा नाम है तेरा। Thank you, I know it. Thank you so much. Thank you. चल। चलो। कहाँ है समीर? अरे चुप रहो यार, शोर मत मचाओ। मुझे मिलना है। अल हबीबी। अल हबीबी सर। अल हबीबी जी। अरे रोमा, 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 मैं सोच रहा था कि तुम्हारा ये पंखा मैं सिर्फ 3 महीने के लिए ले लूं। अब सोचना ही कैसा, सोच रहा हूँ ले ही लूं। क्यों बंस, तुमने कभी भी मेरी चीज वापस की है? रोमा सिर्फ 3 महीने की तो बात है, यू नो रॉकी को गर्मियों में नींद नहीं आ रही है और फिर मेरा रेस जीतना भी कितना जरूरी है, राइट? मैं बाहर जा रही हूँ। रोमा, रोमा प्लीज, रोमा, रोमा प्लीज। ओके, थैंक यू। सॉरी रोमा। रोमा, 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 वापस दे मुझे, नहीं मालूम तो वापस दे रोमा। ले ना मुझे, नहीं मालूम बंटी, देख इसने मेरे कच्चे को फूल बना दिया यार। पास मारा था बंटी। क्या तुम दोनों को पता है कि हमारे पीछे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पीछे, क्या हो रहा है? कोई नहीं है बंटी, तुम्हें कच्चे और फूल की पड़ी है और रोमा ने हम सबको फूल बना दिया है। कैसे? ये देखो, देखो। बंटी ये बात तो हमको मालूम थी। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था? समीर अच्छा लड़का है। हाँ अच्छा, तो इस ड्रामे में तुम लोग दोनों भी शामिल हो? मैं अभी ये बात जाके जैक भैया को बताता हूँ। सुन समीर अच्छा लड़का है, तू उससे मिलेगा तुझे भी अच्छा लगेगा वो। मैं तुम लोग दोनों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। बात सुन, वो समझाएगा। अरे ये क्या समझाएगा? अरे सुन ना, तुझे समझाएगी मेरी हरी गोटी। कोई गोटी देख, देख तेरे घोड़े को मार दूंगा मैं बंटी। खड़े रहे, चल देख ना, समीर अच्छा लड़का है। समीर कोई अच्छा लड़का नहीं है। बात सुन यार, देख ना एक मिनट, समीर अच्छा लड़का है। समीर अच्छा कच्चा नहीं, अच्छा बोल, अच्छा लड़का है। समीर अच्छा लड़का है। समीर अच्छा, किसी को बताना मत, किसी को बताना नहीं। समीर अच्छा लड़का है। मेरा कच्चा फूल है। ठीक है ठीक है, नहीं करता हूँ मुन्ना, लेकिन मार मत मुन्ना, कच्चा दे मेरा चलेगा। रोमा अगर हम जैक भैया को बता दे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो हमारा क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, हम दोनों को गोली मार देंगे। अब तुम सोचना बंद करो। आइडिया। क्या क्या? अब नहीं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। रंजू मक्की तू मत हो, ये बता यार तू दारू क्यों पिला रहा हमको आज? भाई वो भी विदेशी। हम तो समझते हैं कि तुम हमको हेट करते हो। अरे क्या बोलता है जी, मैं एक नारियल जैसा हूँ, ऊपर से कड़ा है अंदर से ब्लैक लेवल। मस्ती में चोरी करते हो? नहीं। मास्टर निका म्यूजिक का तालुक। जैक भैया तू इतना हफ्ता क्यों है? प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मेरा एक दोस्त है, उसको एक हैंडसम लड़का है, उसने एक स्वीट स्वीट लड़की को प्यार किया है, मगर वो लड़की का ब्रदर लोग कहना बहुत बड़ा डेंजर है। जैक भैया उनको मेरा नाम बोला? अरे बोला जैक भैया, लेकिन वो गुंडा मावाली लोग आपको मारने को आता है, वो बताने को मैं इतना भाग भाग आया।
हंसता है? डरता नहीं? क्या आदमी है? आने दो मुझको, आने दो सालों को। जैक भैया जैसा नहीं लगता। ये जैक भैया जैसा नहीं है, ये पतला है। बॉडी है, बॉडी। अरे इसकी कोई बॉडी नहीं है, जैक भैया की बॉडी इतनी चौड़ी है, इसको एक मारेगा लौटा लेके बैठ जाएगा। ये अपनी बहन को लेके आयो। राम राम, अपनी बहन को लेके दारू पी के तमाशा करते हो? दाढ़ी पगड़ी मूछ लगा कर मुझे बेवकूफ बनाते हो? जग भैया, जग भैया। मुत्तू, मैं तुम्हें अपने घर का आदमी समझता था। वो सच्चे। लेकिन तुमने झूठी प्रेम कहानी सुनाकर हमें आपस में लड़वा दिया। ये झूठी प्रेम कहानी नहीं जैक, अभी बताता हूँ। समीर इधर आओ। अभी बताओ। जैक भैया, बोलो। मैं रोमा से प्यार करता हूँ। मैं सचमुच रोमा से प्यार करता हूँ। जैक भैया, दूसरों का फैसला तुम बराबर करते हैं, लेकिन अपने पर आएगा तो खोपड़ी घूम जाता है क्या? मुत्तू, तुम जानते हो रोमा किसकी बहन है? जानता हूँ। जैक भैया, मैं भी समीर से बहुत प्यार करती हूँ। सुना क्या? अभी क्या तेरा फैसला? फैसला भी करने वाला था। लेकिन फैसला क्या बोलो? फैसला ओ हरी भाई, ओ क्या खा रहे हो? अरे रात भर मार खाई, अभी ब्रेकफास्ट खाने दे यार। जैक, तुम लोग कितने लकी हो। इसे क्या हुआ? ये यहाँ क्यों सोया है? मुंह पे मारा। तो जबड़े पे मारा। अरे यार, मुझे कहां कहां आज सूरज किधर से निकला? अच्छा, ये तीनों सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर। क्या बताऊं यार। हरी, क्या हुआ? मैं रात भर मैं एलआरटी के पॉइंट भर रहा था, आई एम सो टायर्ड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ए बंटी। हाँ जी भैया। ये तेरा थोबड़ा क्यों सूजा हुआ है? वो भैया, ये तो मैं वो रो 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 के ऊपर राइडिंग प्रैक्टिस कर रहा था ना, जब लग गया, गिर गया था मैं। लेकिन वो क्या है ना भैया, हम लोग एकदम फोकस्ड हो गए। भैया हम तीनों ना, तीनों एकदम सीरियस हो गए, काम में लगे हुए। गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर्स। अरुण भैया, अरुण भैया, गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया है, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, जरा चेक कीजिए प्लीज, जल्दी। अच्छा ठीक है, तो मैं गैराज में पार्क कर देता हूँ। अभी आया। एक्सक्यूज मी भैया, नाश्ता तो करते जाइए। अरे भैया छोड़ो ना उसे, उसे जाने दो, आप बैठो। अरे भाई जरूरी काम होगा, कहीं जाना होगा उसे। अरे आप उसको इतना भाव क्यों देते हो यार? भैया याद है ना, हम लोग उसको धोए थे, मैं जाके धो के आऊंगा। अरे भैया तुम बैठो ना, ये सब अमीर लोग जो होते हैं ना, हमेशा घोड़े पे सवार रहते हैं। बंटी, ये बाकी अमीरों जैसा लड़का नहीं है, बहुत सिंसियर लड़का है ये। अच्छा लगता है आपको? हाँ सिंसियर है। हाँ हाँ हैंडसम है। हाँ हाँ हार्ड वर्किंग है। हाँ भाई, दामाद बनाओगे उसे? हाँ बना लूंगा। बना लोगे? हम भी बना लेंगे। मैं अभी आया।
अभी तक तो मुझसे नाराज हो भैया। आज तक मैं इस बात से डरता था जैक कि रोमा कहीं गलत आदमी को ना चुन ले, लेकिन आज पहली बार इस बात से डर रहा हूं कि रोमा ने बहुत सही आदमी को चुना है। भैया। हाँ, थैंक यू रोमा। भैया समीर कहाँ है? अरे तेरे भाइयों से दोस्ती कर रहा है। एक तरीके से अच्छा हुआ ये, हमारे तीन बंदर है ना, तीन उल्लू, वो समीर से कुछ अच्छा ही सीख जाएंगे। चलो अच्छा ही होगा। जिंदगी में दो चीजें, अच्छा दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा लड़का है। लेंगे। मैं अभी आई भैया। अरे बैठ ना रोमा। ये तीसरा भी चीज होती है, कुछ नहीं मालूम। ये तो मालूम होगा। वो क्या है? ये नहीं, 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 वी आर वेरी क्लीन। जब वन पीना इंग्लिश। देखो मैं पीता नहीं हूँ। मैं अभी आई। अच्छा जा जा। छोड़ ना जाए, तू भी तो बस। आता हूँ मैं जरा, अभी आता हूँ, दो मिनट में आता हूँ। अरे बैठ। भैया मामा आ गए। मामा रोमा मैं तुझे जादू दिखा जाऊँ। बंजी सिगरेट भोग 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 भोग। सनी, म्यूजिक बंद करो। रोमा, जादू। क्या हुआ रोमा? कुछ नहीं भैया। ए, क्या हुआ? एक तो रिहर्सल में आते नहीं है, ऊपर से रोमा, ये कोई तरीका है म्यूजिक सुनने का? समीर तुम यहाँ? अरे दीदी तुम? समीर घर चलो। आओ मेरे दोस्तों से मिलो। समीर घर चलो, तुम जाओ। I am enjoying myself. अरे सनी तेरे घर में बारिश भी होती है क्या? अरे सनी क्या कर रहा है यार तू? ये क्या? क्या फायदा पैर बांध कर? अरे बहुत मजा आया कल पार्टी में, बहुत मजा आया। तुम्हारे भाई तो इतने अच्छे हैं कि। वैसे कल की पार्टी थी किस लिए? हमारे प्यार के लिए। और तुम मुझे ही भूल गए? जाओ सो जाओ। डोंट बिलीव मी रोमा, मुझे कभी नहीं छोड़ना। मैंने ऐसा प्यार कभी महसूस नहीं किया।
really love you. I love you madly. I love you, Samir. Shall we go, Dad? Dad, you're cheating, Dad. That's not fair. Dad, this is cheating, Dad. That's not fair. Ramu Kaka, ek chill Pepsi le aana. Dad, I'm in love, Dad. और मुझे आपका अप्रूवल चाहिए. और अगर मैंने उसे नापसंद कर दिया तो मैं वही करूंगा जो आपको पसंद है. वापस आ गए झगड़ा करके. और कोई काम धंधा है नहीं इनको, बस झगड़ा सुलझाते बैठो.
हमारे शो की सब तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ पापा, हम लोग कल शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। मेरे गले में गले मिलो। हाँ मामा, हाँ मुझे भी आपसे कुछ कहना है। अरे अपने घर पे जाकर रहो, जाओ जाओ निकलो। अरे भाई चलो चलो, सब फटाफट फटाफट काम करो ना, सब सामान रखा सनी बंटी। अरे चलो चलो सब सामान रखो। चलो ओके बॉयज कम ऑन। अरे भाई चलो जल्दी ये, अरे सामान लो। हाँ देखो देखो कम ऑन, अपना पैसा बालो। हाय देखो, ये हाथ अगर छोड़ा ना तो सारी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा तुम्हारी। अरे ये गिटार का तार कैसे टूट गया? जैक भैया भी आजकल तार तोड़ गिटार बजा रहे हैं। अरे अरे सूटकेस में से पानी की बोतलें निकाल के वही पानी पीना, बाहर का पानी मत पीना। चल अच्छा बाय बाय। कैप्टन शुक्ला हियर, हम प्लान के मुताबिक निकलने वाले थे कि अचानक इंजन रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया सर, वहाँ 47 लोग फंसे हुए हैं, अब हम क्या करें सर? गॉड यू डैम इट। ओके अब ध्यान से मेरी बात सुनो कैप्टन, आपके लिए मेरे को मद्रास से लड़की लाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि ये शहर में कोई भी लड़की बचा ही नहीं है। एक एक बचा है, एक बचा है। अच्छा और मैंने पसंद भी कर लिया है। पसंद कर लिया? हाँ। अच्छा ये देख फोटोग्राफ। अरे ये तो अपना दीपा मास्टर भी है। देख जैक कैसी लगी मेरी पसंद। है जैक क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? शर्मा रहे, मेरी पसंद अच्छी नहीं लगी क्या? देख ना जैक अच्छी लगी? अच्छी है। अच्छी है? शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा। ये है। तुम लोग मेरे को बेवकूफ समझते हो? अरे भाई मैं बेवकूफ हूँ लेकिन समझो मत ना यार। शादी करेगा। आज क्रिकेट मैच है क्या? क्यों, ये बस्ती वाले कहाँ चले गए? अरे भाई अपने अपने काम में होंगे। अरे जैक भैया, अरुण भैया, जैक भैया, अरुण भैया, अरुण भैया जहाज डूब गया और बस्ती के सारे लोग मारे गए। क्या Thank you.
आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। सर मॉर्निंग सर। नो जैक, मुझे अपने शिप के डूब जाने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस है बस्ती के उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को, मैं उनकी जिंदगी तो नहीं लौटा सकता लेकिन उनके लिए जो कुछ भी मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा। मैं यस सर, मिस्टर देशपांडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है और वो धमकी दे रहे हैं कि वो जहाज के डूबने के बारे में अखबार वालों को। यस हेलेन, मतलब हाँ वो बाहर आ रहे हैं मिस्टर शर्मा, वो खुद उनसे बात कर लेंगे। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है जैक, चाय पी ले। तुमने रेजिग्नेशन क्यों दिया देशपांडे? डरते हो उस मल्होत्रा से? डरते हो? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तो बताओ वो शिप डूब गया था या? चुप हो जा। हम आपको उसके बदले क्या दे सकते हैं? अभी हम कुछ पैसा दे रहे हैं, ये आपके काम आएगा। अंगूठा लगाइए, हौसला रखिए, जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हाँ मैं जानता हूं कि ये पैसे हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पैसे हम लोगों के लिए, लेकिन तुम्हारा भाई मरा नहीं रॉनी, मारा गया है क्योंकि वो जहाज डूबा नहीं, डुबाया गया है। ये सब मल्होत्रा की चाल थी। ये आप क्या कह रहे हैं? बताओ शर्मा, बताओ। ये झूठ बोल रहा है। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि आपको ये पैसे चाहिए या नहीं। रुका, मैं तो कर रहा हूँ।
1972 और 1984 में सर्वेयर ने रिपोर्ट दी थी कि शिप बिल्कुल कार्यशील था। 2000 में भी इसे सीवर्दी सर्टिफिकेट दिया गया था। इससे साबित होता है कि जहाज में कोई खराबी नहीं थी। इसे महज एक हादसा समझा जाए। ऑर्डर ऑर्डर स्टॉप इट बोल बोल जो इसके सामने बंद करो बोल बोल आई सेड ऑर्डर ऑर्डर कोई नहीं लगा चुप बोल बोल जैक बोल जैक मैं बताता हूँ ए स्टॉप इट जे साहब गुंडा है ये आदमी क्या बक रहा तू मवाली है ये आदमी मेरी दौलत हथियाना चाहता है ये मेरे बेटे को फंसाने के लिए अपनी इकलौती बहन का इस्तेमाल कर रहा है नंबर में दे अरुण भैया आगे ले बहुत गुस्से में बाप लगता है अपनी बस्ती लगने वाली क्या रे क्या रे कहा था ना मैंने तुझसे कहा था ना मैंने सब देख रहे हैं अरुण भैया अच्छा तो तुझे अभी शर्म आ रही है और जब तू 10 बार अंदर आता है और मैं तुझे बाहर निकाल कर ले जाता हूं तब शर्म नहीं आती तुझे मैं थक गया हूं जैक मैं थक गया हूं मैं थक गया हूं सॉरी अरुण भैया तुझे लगी तो नहीं ना अच्छा मैं बात करता हूं इंस्पेक्टर से बात करता हूं मैं इंस्पेक्टर वो बाहर ना आने पाए भरी अदालत में उसने मुझे बेइज्जत किया है मैं सब कुछ संभालूंगा सर आई विल हैंडल इट सर डोंट वरी
जैक भी है। हाँ। जैक
ससुराल गया है। नॉट अगेन। चलो घर में चलते, चलो चलो हो गया। यहाँ तेरे शो की काफी तारीफें हो रही है और तू ठीक ठाक पहुँच गई ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ पापा, अभी अभी पहुँची हूँ। भाई हम अपने होने वाले दामाद से मिलना चाहते हैं, कब मिल पा रही है तू? हाँ पाप, मैं आज ही उससे बात करती हूँ, वो ससुराल से आता ही होगा। क्या? मेरा मतलब है भोपाल से आता ही होगा। तुम लोगों ने बहुत पैसे खर्च कर दिए रे। अरे चलो अरुण भैया। हाँ नीचे वाला ले, नीचे वाला। भैया भैया सबसे ज्यादा खाना इसी ने खाया, देखिए कितना मोटा हो गया ये। आ जाते थे भैया, जैक भैया का चक्कर चल रहा है। मतलब दीपा के अलावा भी जैक का कोई और चक्कर है। अरे इसे क्या हुआ? अरे मुत्तू आ गया, आजा। अब्दुल भाई दो चाय भेजना। अरे चल बंटी हिसाब करते हैं। जैक भैया किधर है? अरे आता ही होगा जैक भैया तो दीपक के साथ। सनी क्योंकि ये काफी लाभ हो गया ना। लो आ गए, पंचायत लेके आ गए। देखो जैक ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अभी जैक शादी करेगा। 17 तारीख को शादी होगी फिक्स। अभी तुम लोग जाओ अपना सूट बूट रेडी करके रखो, जाओ जाओ। ये पास क्या बात है भाई, जाते क्यों नहीं तुम लोग? जाओ ना है? जैक को पुलिस ने मारा क्या? बहुत मारा। हे टोनी, क्या हुआ, क्या बात है? शंभू काका बोलते क्यों नहीं आप लोग? बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ जैक को? अरे बोलते क्यों नहीं आप लोग? हटो हटो यहां से। पता नहीं क्या क्या करते रहता है ये भी। अब पता नहीं क्या करके आया है। क्या हो गया जैक? अरे पुलिस ने मारा इसे। देखा है, पुलिस वालों को रिश्वत दिया था और वकील को खरीद लिया था, हम सब देखा है। चाचा ठीक कह रहे हैं। मारो उसको, मारो उसको।
तुम यहां से चले जाओ, ये मैं बहुत गुस्से में है सर। जाओ बैठो, तुम लोग बैठ जाओ। समीर जाओ यहां से। समीर प्लीज, मैं इन्हें संभाल नहीं पाऊंगा, चले जाओ प्लीज। पापा कहाँ है? मालूम नहीं, यहीं कहीं होंगे। रामू काका, रामू काका। राम सिंह, मेरी दवाई तो लाना, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शायद भैया की मौत हो गई पापा, शायद भैया की मौत हो गई पापा, और सारी बस्ती आप पे इल्जाम लगा रही है। क्या हुआ पापा? आप चुप क्यों है पापा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं, किससे बोलूं? इतने बड़े घर में कौन है मेरी बात सुनने वाला? उस दिन अदालत में सबके सामने मुझे जलील और रुस्वा किया, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, कोई सवाल नहीं पूछा। आज तुम मेरा बेटा मुझसे सवाल कर रहा है? ओह गॉड, ओह गॉड। मुझे तो यकीन नहीं आया पापा कि आपने जैक भैया को, देखो मैं पुलिस ऑफिसर हूं, तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर वाघ की लाश बीच पे से मिली। अगर किसी ने कत्ल होते हुए या फिर कातिल को देखा हो तो सामने आ जाए। नहीं 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 साहब, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, नहीं जानता मैं कुछ। पुलिस आपको पूरी प्रोटेक्शन देगी।
खबर देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोई बात छिपाने की कोशिश की तो वो गुनाह माना जाएगा। किसी को कुछ नहीं मालूम है क्या? ए बुढ़िया, तू कुछ जानती है? इसमें जानने की क्या बात है साहब, ऐसी बातें तो यहाँ रोज देखने को मिलती है। परसों के दिन इसी जगह जाग भैया की लाश मिली थी। अभी तक लाश नहीं मिली साहब। ए इंस्पेक्टर, घोड़े पे बैठ, निकल जा। क्या है, ये जगह बहुत डेंजर है। क्या इंस्पेक्टर, अगली बारी तेरी है, निकल भगा इसको। मैं क्या बताऊं जैक भैया, मैंने तो पापा का घर छोड़ दिया। ये सब क्या हुआ जैक भैया? आई मिस यू लॉट, आई मिस यू। सब समझते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और रोमा भी आजकल तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। मैं क्या करूं जैक भैया, मैं क्या करूं? रास्ते में मुझको छोड़ा,
तूने मेरे दिल का शीशा तोड़ा, बीच रास्ते में मुझको छोड़ा। बंटी मुन्ना देखो ना रे, कैसे हो हैरी? रुक जा, चल निकल यहां से। देखो मैं हैरी, मैं रोमा के बिना नहीं जी सकता। क्या कहा? मैं रोमा के बिना नहीं जी सकता। चला जा। मैं रोमा के बिना नहीं जी सकता। चला जा। भैया मत मारो उसे। रोमा छोड़, रोमा छोड़, रोमा मुल्ली को अंदर ले जा। चाहो तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ।
ना तोड़ा, बीच रास्ते में मुझको छोड़ा, तूने मेरे दिल का शीशा तोड़ा, बीच रास्ते में मुझको छोड़ा। इसको उठा तू और जाके उसके बाप के घर के सामने फेंक किया, चला जा। आलम मेलिया सर, ये क्या तमाचा लगा रखा है? सर वो हाथ गाड़ी वाला किसी की लाश लाया, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। क्या मतलब? जी हाँ सर, ओ सेठ काय बघतोय तुम, सच मुल गए पहचानता नहीं क्या इसको? बस्ती में आता सौदा समीर, ये वॉचमैन आज ना बस्ती में आना था अपन टाके। क्या हुआ मेरे बेटे को? ये क्या हुआ इसे? ये हाल इसने किया? क्या हुआ तुम? क्या हुआ इसे? चलेगा समीर, समीर ये सब मेरी वजह से हुआ ना समीर, ये सब क्या हुआ? लेफ्ट साइड थर्ड रूम। रोमा, समीर की कोई भी चीज अब इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए, सुना तुमने? और कोई निशानी है? जला दूंगा, छोड़ दूंगा, कुछ नहीं रहेगा उसके घर में। समझी रोमा? हरी, मैंने पहले ही बोला था उसको उस दिन खत्म कर देना चाहिए था। सनी तेरी गलती है। गुड़िया, मेरी गुड़िया, नहीं उसे नहीं, जैक भैया मेरे भी तो भैया थे, तेरा प्यारा भैया था जैक। रोमा, समीर, मेरी बात मान लो समीर, रोमा को भूल जाओ, प्लीज समीर रोमा को भूल जाओ। नहीं समीर, नहीं नहीं समीर, ये क्या कर रहे हो? नहीं समीर, समीर नहीं नहीं, डॉक्टर समीर नहीं नहीं समीर, ये पहन लो तुम, ये पहन लो, ये पहन लो, नर्स समीर, समीर नहीं समीर, रोमा के मैं नहीं जी सकता समीर, डॉक्टर नर्स डॉक्टर। कल सुबह की फ्लाइट से समीर लंदन जाएगा।
मेरे साथ चलोगी रोमा? कहाँ? मुझे पता नहीं। आशीर्वाद देने जाएंगे। ये शादी नहीं हो सकती। आई विल किल हर। अबे तू क्या मार रहा है? तुझसे पहले तुझे मार डालूंगा मैं। छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो मुझे। नहीं मल्होत्रा, कुछ नहीं करोगे तुम। आई विल किल हर। आई विल किल हर। ए मल्होत्रा, भागता किधर है? नायर, आ चिकू। आज आपने एहसास दिला दिया अरुण भैया की सौतेला भाई हमेशा सौतेला ही होता है। हाँ, सौतेला ही होता है। सौतेला है अरुण भैया, सौतेला नहीं बंटी। सुन ले अरुण। हाँ नहीं, मैं अरुण, अरुण भैया मैं समीर को जान से मार देंगे। नहीं हरिन, हरिन नहीं। पागल 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 बन 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 बन
मतिवायवे। Roma
नहीं होगा रोमा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो मेरी बात मान जाओ, हमें कहीं दूर ले चलो दीदी, बहुत दूर। चुप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। यहां सिर्फ हम हो। मैं हूं ना, हा? मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा।
ना तेरा आए जाए, मैं बना जब से तेरा दीवाना, प्यार क्या है सनम मैंने जाना।